इसीलिए इससे मेरा याद जुड़ा हुआ था कि नहीं ना हमारी इससे तुम्हें चिकन पर चाहिए। हां देखिए ये ना दहेज में हमको यही फटा हुआ स्कूटी मिला था। देखिए हां ये लेकिन ये बात आप लोग को जोक लग रहा होगा। देखिए देख रहे हैं कितनी आस्कत है ये। मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू आवर ब्लॉग सोनल सुहान ब्लॉग। तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी हम लोगों को आज हमारे पास बहुत सारे काम है जो कि हमारा जितना भी पेंडिंग काम है वो हमें करना है। तो अभी मैं फटाफट से जाऊंगी, थोड़ा कुछ काम है, चलो आप लोगों को भी साथ लिए चलती हूँ। देखो यहाँ पे कितना सारा, ये मेरा इतना सारा सामान है, सबको अभी नीचे लेके जाना है और आप लोग देखो मैं ये सारे सामान का क्या करती हूँ। हम लोग फाइनली नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं गाड़ी में सामान लेने के लिए, रखने के लिए, मतलब ये सब सामान दूसरे की जगह चल जाएगा। सोनल भी जा रही है। कुछ था ये देख सकते हैं मेरे हाथ में सामान। कभी कभी ना तुम लेकिन बहुत तेज हो पता है, तुम एकदम चलो अरे यार तो हमको भाभी वाली दी हो देख इधर क्या कर रहा है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तुम, क्या कर रहा है? एक ये झूलो झूल रहा है ऊपर। वहां देखिए आसी आ रही है। ए बाहर मत जाओ, यहीं रहो। आसी को देख एक्साइटेड हो गया ये पूरा। तुम क्या कर रहे थे तेजू इतने देर से, साइकिल चला रहे थे? छोटा सा पप्पी एकदम डरावना जैसे, तो पप्पी की तो वो क्या किया, गार्ड जी तो हटा दिया, गार्ड जी तो हटा दी थी। अब बोल रहे हैं ना कि कुछ महीनों बाद सितंबर बोल कुछ महीनों बाद लेट हो गया है, रियल रियल अमेज़न से कोई पप्पी मिलना है। हाँ हाँ मिलता, ये भी टूल रखाएगा, वो दूसरा का है। तेजू अपना साइकिल भी रख रहा है। देखो वो उठा लिया, देखे उधर बाहुबली को हैं? हैं? देखो ना वो उठा क्या है वो। इधर आओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ तेजू, इधर दिखाओ। चलाओ तो तेजू, चला के दिखा दो तो सबको बैठ के। वाओ चलेंगे, अरे वो, अरे वो। अब इधर आओ, क्या ढूंढ रही हो? कढ़ी पत्ता है ये, कढ़ी पत्ता लगता है हमको। शाबाश बेटा, कढ़ी पत्ता है वही। स्कूटी नहीं चलाओगे तुम अपना? जब देखो ना आजकल हाथ में सिर्फ झोला के अलावा कुछ होता मिलता ही नहीं है। झोला क्या है, झोला तो अच्छा चीज है। देखिए सोनल का स्कूटी को देखिए, खटारा स्कूटी, हमको साफ कर बनवाएंगे। सोनू का नहीं बेटा, मामी का है। मामी का है, दूर रहो, दूर रहो, गंदा है, बहुत गंदा है, दूर रहो। चुप रहो। तो देखिए सोनल अपना गाड़ी साफ कर दी है और अभी थोड़ा सा बजट टाइट नहीं थे, इसको बनवा ही देते, इसमें खर्चा आएगा कम से कम 10,000 रुपया। इधर आओ, कितना इसी से कॉलेज जाती थी ना तुम? देखिए सोनल इसी से कॉलेज जाती थी। ये स्कूटी की एक अलग ही स्टोरी है, एक अलग स्टोरी है। वो दहेज में ही टूटा। देखिए मेरे बाइक को, देखिए ये ना दहेज में हमको यही फटा हुआ स्कूटी मिला था। देखिए ये लेकिन ये बात आप लोग को जोक लग रहा होगा लेकिन ये सच है। अच्छा ये सच है, मतलब सच है। हमले देखिए दहेज में हमको यही मिला था, है कि नहीं सोनल? सही है कि झूठ है? सबको जोक लग रहा होगा। और अभी इसी कंडीशन में मिला था ना, 100%। हाँ इसी कंडीशन में हमको मिला था, फटा हुआ टूटा हुआ। वो भी गजब बेइज्जती है, वो भी इसका था तो एक याद जुड़ा हुआ था इसका, इसीलिए ये ले आई, नहीं तो ये भी बर्बाद ही हो जाता। ये पता है किसको आज लिया है? आर्ची, आर्ची,
आरती तो जान रहे हो आप लोग, वही की है चूहा के चक्कर में। एक वीडियो होगा कम जाके आप देख लेना, माय लैब्राडोर करके होगा, वो वीडियो में आरची है, वही की है। चलो हो गया साफ, फिर धो देंगे इसको अच्छे से एक दिन। डब्बा कौन रख दिया उसपे जी? कभी नहीं आता, क्या करें, खटारा तो नहीं है, इसको बनवा के चलाना है हमको। चल रहा है देखो आप, दिख रहा है आपको, बाप रे देखिए पूरा पसीना चल रहा है, गर्मी से बेहाल हो गया है हम लोग यहाँ। और ये पोछे जा रही है स्कूटी, ये स्कूटी की बहुत बड़ी स्टोरी है। और मेरे घर में सब इसको ना मतलब बोल रहे थे कि अरे अब तो अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको बेच दो, ये कर दो, वो कर दो, इसलिए मैं इसको अपने पास लेके आई हूँ। और इसको मैं बेचने वाली तो कभी नहीं, और मैं भी बेचने नहीं देने के फेवर में था, क्योंकि जब हम लोग शादी नहीं हुआ था ना तो ये हमसे मिलती थी, इसी स्कूटी से मिलती थी, तो एक बहुत अच्छा याद जुड़ा हुआ था। हम लोग इसलिए मिलते थे, हमसे 10 किलोमीटर दूर से मिलने आते थे स्कूटी से, इसीलिए इससे मेरा याद जुड़ा हुआ था कि नहीं बारिश से तुम्हें चिकन पहुँचाई बना, जब इसे घर में चिकन बनाते थे तो पहुँचाने आती थी, इस स्कूटी से यही याद जुड़ा हुआ, इसलिए मैं इसको बहुत मतलब इसको ले आया यहाँ इसके परमिशन से, तुम्हारा है चलो इसको बनवाएंगे, खर्च होगा और बहुत जल्द अब आपको देखने को मिलेगा ये अपग्रेडेड फॉर्म में, 10,000 लगे 8,000 लगे इसको बनवाना है। और वो मेरा बाइक, ये दोनों भी साथ साथ हमेशा घूमे हैं, ये तेजू मेरा टकला, आ जाओ एडी चलो आ जाइए हम लोग को छोड़ के, नहीं लिफ्ट नहीं आएंगे, रुको रुको भागा जा रहा है। वाह कैसा लग रहा है बेटा, कौन दिया? मामा दिया। ओह माय गॉड, खाइए गुप गुप मारिए। सबसे अच्छा कौन बेटा? मामा। सबसे गंदा? गंदा बोला ना मामी को, लो कट्टी ले लो, कट्टी ले लो। तो फिर तो गंदा कौन है? मैं गंदा हूँ। ना बेबी तुम भी बहुत अच्छा, किसी दिन तो मामी को एक किसी दिन तो यहाँ पे। क्या बनाई आज खाना? आज तो खाना तो लगता सपाट कर गई, मैं वीडियो लेते लेते खा गई सब। सारा चीज छोड़ छाड़ के बाहर बाहर का के लिए बस वो सारा चीज फिर से हम जो भी काम धंधा है फिर से स्टार्ट करेंगे, कहीं बाहर बिहार। क्या कर रहा है तुम? ही कर रहा। ऐसे कैसे कर रहा है बेटा? तेजू अभी क्या हुआ था सोनल बता दो। लिफ्ट में फंस गए थे हम। इतना डर गई थी सोनल, क्या बोला? झूठ फूट डरा हुआ था। वहाँ पे ऐसे कर लूंगी, वहाँ पे ना ऊपर कर लूंगी तुम्हें। हाँ, साड़ी मत बनाओ, साड़ी नहीं बना रही हूँ, ये जो है तनी का बचा हुआ जो है ला ना, साड़ी नहीं पहना रही हूँ, वो तो बना रही है जरूर। अरे साड़ी चीरन करो, इसका इसका चीरन करो सारा। ये साड़ी दे मुझे, ये साड़ी दे। Hey family. Hey family, देखो तुम क्या कर रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि सोनल देखिए क्या कर रही थी, लैपटॉप पे अपने YouTube का सेटिंग कर रही थी और अचानक क्या हुआ कि इसका लैपटॉप ऑफ हो गया। देखिए क्या हुआ, हर चीज में तुमको ठगाया सब। यार सही बात है यार, लैपटॉप भी मैं एक लिया ना तो लैपटॉप देखो, फोन भी वैसा ही। देखो मैं दिखाता हूँ, मैं लिया था वीडियो एडिट करना है, ये एकदम ठग लिया, ये 28,000 में तो मुझे पता ही नहीं था कि चीटी नहीं होता है। तो अब मैं सोच रहा हूँ उसको सेल करूंगा, इसका तो जान निकलता है, कुछ भी चीज ऑन करो जान निकलता है इसका। हाँ बहुत हैंग करता है, इसको सेल करके कोई अच्छा सा 40-50K का एक लैपटॉप ले लूँ, लेकिन अभी फिर वही बात है बजट टाइट है, करना तो बहुत कुछ है यूट्यूब के लिए करना कुछ है, बट कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि बहुत खर्चा हो जाता है। अब जैसे देखा आपने लास्ट व्लॉग में हम लोग आईफोन लेने गए थे, बट यार 75,000 कुछ ज़्यादा हो जाता है। देखिए मैं आपको चुपके से दिखा रहा हूँ, देखिए वो क्या कर रही है, देखिए किस स्टाइल में पोछा दे रही है। इतना बड़ा पलंग है ना कि पलंग से देखिए उधर वो, इस पहले वाला मैंने बताया था ये भी दूसरा मैट्रिक्स है, पहले जो मैट्रिक्स था वो उधर रख गया तो उधर जाने का जगह थोड़ा नहीं है, तो देखिए कैसे पोछा लगा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए देख रहे हैं कितनी आसकत है, ये जा नहीं सकती इधर से ऐसे करके, ये इधर लेट के पोछा लगा रही है। बताइए ये आपके घर में अगर कोई ऐसे पोछा लगाता है तो, क्योंकि ये तो ऐसे ही लगा रही है भाई,
और मुझे बहुत गड़बड़ लग रहा है कि मुझे कभी भी लगता है कि कर क्या रही है यार। वैसे कोई कौन पोछा लगाता है मतलब, लेट के बेड पे ऐसे ऐसे पोछा दे रही है। देखो सोनल रूम साफ कर रही है, अभी हम लोग का खाने का समय हो रहा है और हम लोग नीचे ही बैठ के खाते हैं। इतना सारा इसका बाल टूटता है, देखो मेरा, ये मेरा बाल है, ये लड़की का बाल बहुत टूटता है, इसको टकला करना पड़ेगा। अबे साले, जब देखिए देखिए आपको दिखाता हूँ मैं गौर से, कितने सारे हेयर निकल जाते हैं और ये इसको टकला करवाना पड़ेगा। वो वाला वीडियो भी नहीं बनाते मेरे साथ। कौन सा? एक अभी मैं कुछ दिन पहले एक शॉर्ट्स में दिखा रहा था ना कि उसके पति को क्या हुआ था ना कि बार बार बाल मिल रहा था खाने में, तो दूसरे दिन उसकी वाइफ का ही पूरा टकली हो गया। पता होगा मेरे बाल भी बहुत लंबे हैं और ये एक दो दिन में ये कट जाएंगे क्योंकि बहुत अब गर्मी लगता है और विंटर आ रहा है। विंटर आने पे आपको पता है कि डैंड्रफ प्रॉब्लम बहुत होता है। मेरा भी बाल कितना बड़ा है देख सकते हो, तो ये मैंने कहा सोनल का ही बाल रहता है, मेरा भी बाल रह सकता है, बट मेरा बाल जनरली बहुत कम टूटता है, लड़कियों का बाल ज्यादा टूटता है। तो हम लोग का खाना बन गया है, अब खाना खाएंगे, उसके बाद रात में वीडियो एडिट करेंगे। आप देख सकते हो एडिट,